खऱ्या अर्थाने चांगलं योगदान सहकार्य नेहमी यांच्या पाठीमागे आहेत त्या अंगद पाटील असतील तौसिफ पटेल असतील ओंकार पाटील बंटी ठाकूर संकेत पाटील असेल तसेच तेबेश खरत ऋषी बबल्या धीरज चंद्रकांत नावडेकर प्रितेश पाटील नितेश ठाकूर कोपरा सोनी पाटील रिची पाटील गणेश पाटील मनेश पाटील मिथून पाटील समीर ठाकूर अनिकेत पाटील पियुष घरत संदेश करावकर सूरज पाटील जिनीत पवार तसेच सर्व ग्रामस्थ आमचे मुरबी आणि सर्वांचं स्वागत आणि जहीर तुमचं देखील खूप सारं योगदान आहे स्पर्धेसाठी धन्यवाद अध्यक्ष साहेब भी काफी बरा योगदान है, इस बारा योगदान है इस को श्रृंखला तरीके से शुरुआत हुई है इसकी समाप्ति भी सफलता के साथ ही होनी चाहिए और होंगी जरूर क्योंकि जिस तरीके से मोंटी पाटील और निकू मात्रे हो विकी पाटिल हो इन नौजवान खिलाड़ियों ने आयोजन रखा है ऐसा नहीं लग रहा है कि पहली मर्तबा रखा है बहुत ही दिमागदार आयोजन है ये नहीं सही आपने फरमाया है बिल्कुल क्योंकि पहली मर्तबा विभाग प्रीमियर लीग इतनी बड़ी देखिए जहीर पटेल तो वाकिफ है जहीर जुड़ चुके हैं तो मजा आएगा इस बीच हमारे लाइव के माध्यम से समीर इंदालकर जो मौकाशी पाड़ा के एक अच्छे क्रिकेटर हैं और आजकल अच्छे एक अच्छे उद्योजक है समीर इंदालकर आपका भी स्वागत है तो हमारे सुरेंद्र पारवे रंजम पाड़ा यानी कि रामकृष्ण मुरबी टीम के ग्रामीण सुरेंद्र पारवे हैं या हमारे आजादी जिनकी ताज़ा होती है आ, निश्चित तौर पे शकील पटेल आज हमारे बीच नहीं है उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हमारे नूरा पटेल और सुरेंद्र पारवे और खास तौर पे गुरु मात्रे चार खिलाड़ी हमेशा रामकृष्ण मुरबी टीम में खेले हैं और जहीर पटेल आप साथ में हम साथ में जयदेव पाटिल हमारे पीछे है उनका भी स्वागत है क्या कहेंगे लेकिन सुरेंद्र आइए व्यासपीठ मंच के ऊपर आपका स्वागत है वो टीम संदीप जी एक बात में कहूंगा कि आज की टीमें जो कि टीमें देखकर खेलती है लेकिन जयदेव पाटिल जब भी बड़ी टीम रहती थी तो उनको खेलने को मजा आता था हमने हमेशा देखा है जितनी अच्छी टीम रहती थी उतना अच्छा खेल दिखाओ अपने खिलाड़ियों को कहा करते थे नहीं जहाँ पर जब भी जाए पहली बड़ी टीम कौन सी है उसके उसके साथ हमें खेलना है और जो बाकी की टीमें शायद वहाँ पर होती थी उनसे खेलने के लिए थोड़ी सी लड़कराती थी और जब यहाँ पर ये टीम जाती थी तो ये पहले कहते थे कि चलिए जो कुछ टीम में अच्छी है उनसे लगाइए ताकि जो फैसला है पहले ही हो जाए पहले ही हो जाए बिल्कुल सही है पहली मैच ही फाइनल के साथ खेलता खेला करते थे और हमेशा हम हर हफ्ते देखा करते थे उस वक्त सैटरडे और संडे, दो ही दिन मैच हुआ करते थे और मुरबी टीम की वो खासियत थी कि दोनों दिन फाइनल में पहुंचा करती थी नहीं लेकिन बहुत ही खेल भी अच्छा था उम्दा खेल था कल रामकृष्ण टीम जो हमेशा अच्छा योगदान दिया करती थी और इन सभी खिलाड़ियों का आज देखिए संकेत पाटिल जो कैप्टन है और जिनके पिता आज उनकी यादें जब संकेत को हम देखते हैं ना तो उनकी यादें वो ताजा हो जाती है क्योंकि रायगढ़ में ऐसा फील्डर ही नहीं है जिनका हाथ पकड़े आज हमारे बीच तो? नहीं है अद्नेश्वर पाटिल जो ऐसा फील्डर आज तक फायदा हुआ नहीं है यकीनन क्योंकि संदीप जी हमने कई مرتبہ देखे इग्नेशर पाटिल के वो कैचेस उस वक्त खेत हुआ करते थे इस खेत से उत खेत में छलांग लगाकर कैच ले चुके हो तो चलते इस मुकाबले के तरफ मुकाबला काफी अच्छा होने की आशंका एक तरफ संकेत पाटिल की टीम तो दूसरी तरफ रोहिंदर टीम पहली गेम काफी अच्छी गेंद सीधे विकेटकीपर के दास्तानों में अच्छी शुरुआत बहुत अच्छी शुरुआत देखिए दोनों टीमों ने एक एक मैच जीता है जीतने के बाद सीधे आगे का सफर उनका तय हो सकता है सो जय दुर्गा रोंजन और हर्षा लेलन मुर्मी दोनों टीमों ने डिफेंस करके मुकाबले को जीता है यकीन यकीन क्योंकि जिस तरीके से मुरबी टीम की मुझे जानकारी मिली कि एक ओवर में चार रन बचाए तो दूसरी तरफ रंजन की टीम काफी फर्क से मुकाबला जीती थी तो इसलिए ये मुकाबला काफी रोमांचक होने की आशंका है नहीं बहुत ही अच्छा मैच होगा जहीर क्योंकि देखिए दूसरी तरफ रंजन टीम में प्रतीक पाटिल कुणाल पाटिल जो इनफॉर्म बल्लेबाज चल रहे हैं लेकिन उनके साथ भी कड़ी चुनौती हो संकेत पाटिल की ताकि हमारे इस विभाग का आज जो त्रुक् का एक का बॉलिंग में संकेत पाटिल को माना जाता है यकीन काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं संकेत संकेत फिर से तीसरी डॉट गेंद आपको याद होगा संकेत पाटिल की गेंदबाजी कोपर खैरना के गिरण के ऊपर एक ओवर में चेरन की जरूरत थी शेरियंदुलकर और ओमकार देसाई जैसे बल्लेबाज थे शुरू से खेलने के लिए आए थे शुरू से खेलने के लिए, लेकिन के लिए थे। थे अंतिम तक और अंतिम ओवर में संकेत पाटिल के इस ओवर के वो शिकार भी बने, बने थे बने थे और उसी तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं इस निर्णायक मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी इस बार क्रीमबोल्ड बहुत ही अच्छी गेंदबाजी प्रतीक बैक टू द पवेलियन सिरे से लगातार ऐसा लगा कि गेंद विकेट को कीपर को चकमा देकर गई है आ, लेकिन वहां पर गेंद तो चकमा देकर गई लेकिन उसके साथ वो गिल्ली भी गई थी वहां पर यकीनन गिल्ली भी गई थी और विकेट विकेटकीपर भी बाल-बाल बचे नहीं जबरदस्त देखिए ये खासियत है और संकेत पाटिल सेम अनेमे ज़हीर जी आ, जो परसों ही जो एक अच्छा आई एस पी एल लेकिन थोड़ी सी बात यह है कि जो संकेत पाटिल का भी नाम था लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट ऐसे जोन थे उसकी वजह से इस खिलाड़ी को पीछे हाँ क्योंकि दो ही जोन वहाँ पर हुए और उसमें ही सब सिलेक्शन हुआ और जो जोन था उसमें हमारे संकेत पाटिल का नाम था जो आगे आए नहीं यदि उस जोन में नाम आता तो निश्चित तौर पे इस खिलाड़ी के आज यहाँ पर हम बैनर लगा देते हैं है लेकिन, लेकिन, कोई लेकिन, बात नहीं है सफर तो जारी रहेगा इसका क्योंकि यहाँ से आप सीधा वो कोलकाता निकलने वाला है और क्या उमदा गेंदबाजी कर रहे संकेत यहाँ पर सर इतना अच्छा खेल जब अपना ग्रामीण खिलाड़ी करता है और उसकी वर्णी ओपन में ऐसे बड़े बड़े मैचेस में लगती है तो बहुत अच्छा लगता है और देखिए यहाँ से सीधे उनके तीन बजे के फ्लाइट है कोलकाता के लिए यकीन आज ऐसा लग रहा है जिस तरीके से दूसरे मुकाबले में शुरुआत किए संकेत ने और बहुत ही अच्छी शुरुआत नए बल्लेबाज जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए रोशन नॉन निश्चय के बल्लेबाज कुणाल पाटिल है अभी कुणाल ने एक भी गेंद का सामना नहीं किया है उसका कारण भी संदीप पाटिल अपने साथ है क्योंकि पांच गेंदे लगातार डॉट के लिए मेड एन ओवर देखना है हो पाता है कि नहीं इसलिए कार और गेंद के ऊपर भाई इतनी चक्का सर देखिए पांच गेंदे जिस तरह से निर्णायक पेकी थी संकेत पाटिल ने लेकिन ये जो छठी गेंद थी इतनी लॉली थी कि रोशन पाटिल बिल्कुल देखकर ललचा गए क्योंकि ये उनके लिए और जो बल्लेबाज है किरोली टीम के खिलाड़ी है और अच्छा अच्छा खेल करना जानते हैं और उसके बल्ले से बड़ा हिट आया छह रनों के लिए यकीन है रोशन पाटिल की खासियत है कि वो गेंद को रुक के खेलते है देखते हैं गेंद कहाँ गिर रही है कहाँ पीछू हो रही है और संकेत पाटिल भी यहाँ पर गलती कर बैठे काफी स्लोगन फेंकी उसका पूरा फायदा उठाया रोशन ने और पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर बना छह रन दो विकेटों के नुकसान पर नहीं जबरदस्त यहाँ पर गेंदबाजी भी रही लेकिन जो स्थिति थी सम्मान स्थिति वो खुद हासिल करने में कामयाब रही है रोंजन ने दो विकेट फिलहाल लेकिन कुणाल पाटिल और रोशन के ऊपर अब जिम्मेदारी है लेकिन स्कोरिंग के लिए सोनी पाटिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं जहाँ पर कॉमेड्री हो स्कोरर हो जिस तरीके से हमारे अध्यक्ष संदीप जी पाटिल जी ने जो काम किया है क्योंकि हमारे एरिया में पहला व्यवसाय अगर स्कोरर होगा वो था शांताराम जादव उसको लाया हमारे अध्यक्ष संदीप पाटिल ने और जिस तरीके से हमारी जो कमेटी बनी है और उसको बनाने में भी काफ़ी बड़ा नाम जाता है जो संदीप पाटिल यानी कहीं ना कहीं क्रिकेट को जो उनका योगदान है काफ़ी अच्छा योगदान जहाँ पर हम देख रहे हैं अलग अलग कॉमेटर हर दिन हमारे एरिया में श्रृंखला हो तो अच्छे अच्छे कॉमेडर यहाँ बुला रहे आज जयेश पाटिल जैसे एक अच्छे कॉमेटर दीपक पाटिल और कल भी दूसरे कॉमेडर देखने को मिलेंगे नहीं जरूर जरूर बहुत क्योंकि विभाग प्रीमियर लीग और ये बड़ी प्रतियोगिता क्योंकि आजकल बहुत ही अच्छी गेंद गुड्डू की और तीसरा झटका लगता हुआ कुनाल के रूप में तीनों बल्लेबाज आउट हुए जिस तरीके से रोइन टीम के तीनों भी बल्लेबाजों ने खाता भी नहीं खोला सिर्फ रन बनाने वाले बल्लेबाज है रोशन पाटिल जिन्होंने अपने टीम के लिए रनों का योगदान दिया है अक्षय पाटिल ने कैच लिया जो कि कोपरा से बिलोंग करते हैं यानी काफ़ी अच्छा काम किया है मोंटी पाटिल हो निकू मात्रे हो विकी पाटिल हो के हमारी एरिया के खासकर ओवी विभाग हो खारगर विभाग हो तलोजा विभाग हो ऐसे विभागों के खिलाड़ियों को जमा किया है और कुल मिला के बीस टीमें ही खेलेंगी पहले तो डे का आयोजन था लेकिन उसके बाद में जैसे ही देखा कि गर्मी बढ़ रही है गर्मी भर रही है तो उन्होंने यकीन डे को नाइट में तब्दील कर दिया और इस बार इस गेम को खेला है फाइनल लीग थी हमारे की तरफ जाती हुई गेम चारों के लिए और इस बीच हमारे सुनील सेठ मात्रे कुटाड़ी हमारे बाबूजी हम जे विनती करते हैं कि आइए आप स्टेज के ऊपर घड़ी घर से मैच लाइव देख रहे हैं उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं और सुंदर बैल के मालक जिस सुंदर ने काफी नाम कमाया था आजकल गुड्डू अपने और की अगली गेंद बल्लेबाजी करने के लिए परनो टीम के कप्तान कप्तान के ऊपर काफी जिम्मेदारी और इस बार शॉट एक फाइन लेग की तरफ था तो दूसरा आता हुआ की तरफ गेंद गेंदारे के बाहर चार रनों के लिए और के साथ टीम का स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ चौदह रन स्कोर रुका हुआ था छे के ऊपर लेकिन इस ओवर में लगातार दो गेंदों के ऊपर दो चौके दागे परनों ने बहुत ही अच्छा शॉट खेला जैसे देखा गेंद थोड़ी ओम स्टम्प की तरफ है तुरंत अपने आप को एक मजबूत स्थिति में लाके खड़ा कर दिया और रिवर्स शॉट खेला चार रनों के लिए ऊपर तो जरूर है, जिस तरह से प्रणव पाटिल जो टीम के कप्तान है और जो परिस्थिति थोड़ी सी बिगाड़ में थी उसे सुधार लेने का प्रयास यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं गेंदबाजी में और ये भी बहुत ही अच्छा शॉट है देखिए यहाँ से कहीं ना कहीं संकेत पाटिल ने जो रोक लगाया था उसके ऊपर का ये अंकुश हटा दिया है इस ओवर में प्रतीक पाटिल के ऊपर ज्यादा रन आते हुए नजर आ रहे लेकिन काफी ज्यादा रन आए हालांकि प्रतीक पाटिल ने भी पहले दो गेंद डॉट निकाली थी लेकिन उसके बाद जैसी बल्लेबाजी करने के लिए लगातार दो चौके मारने के बाद एक बहुत ही बेहतरीन दाग दिया छक्का और इस सीजन की बात करें तो काफ़ी अच्छे फॉर्म में चलने वाला एक खिलाड़ी है दो बाइक इस सीजन में उनके नाम आए हैं और अच्छे फॉर्म में जयदुर्गा टीम जब भी नाम आता है तो इस खिलाड़ी का नाम आगे आता है क्या बेहतरीन शॉट वन बाउंस चार रन ये शॉट भी काफ़ी अच्छा था गेंद भी उतनी अच्छी थी कि ये क्रिकेट तौर जी ये शॉट था मेरे ख्याल से लेकिन लेकिन बहुत ही अच्छा शॉट था ये लेकिन बात करें संकेत पाटिल की ओर की छः रन संकेत पाटिल ने दिए लेकिन उसका थोड़ा भी दबाव नहीं लिया परनों ने और चार गेंदों के ऊपर अट्ठारह रन ठोक डाले और जिस तरीके से आपने जयदुर्ग मोरबी टीम की बात की काफ़ी फॉर्म में चली इस साल ये टीम काफ़ी ट्रॉफियाँ जीती यस बिल्कुल क्योंकि देखिए जो छह का औसत था पहले ओवर में वो भी अंतिम गेंद के ऊपर छक्का आया था लेकिन देखिए जो रन आ चुके हैं ना वो काफी निर्णायक रन है यानी कि दस का औसत आप यहाँ पर बरकरार है अब यही चाह रहे हैं क्योंकि पहले ओवर में परिस्थिति जही जी जो बिगाड़ में थी उसे सुधार लिया इस दूसरे ओवर में अब यहाँ से जिम्मेदारी फिर से एक बार संकेत पाटिल के ऊपर हो सकती है तीसरे ओवर में लेकिन संकेत पाटिल के ऊपर जिम्मेदारी भी जिम्मेदारी के साथ वो यही चाहेंगे कि एक दो विकेट निकाले निकालेगी में अगर एक दो विकेट नहीं निकालते तो बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे परनोव अब तक चार गेंदों का सामना किया अठारह रन बनाए कुल मिला के दो ओवर की समर्थ के बाद टीम का स्कोर चौबीस इसके बाद आने वाला मुकाबला मुरबी वर्चेस कालुंद्रा यानी कि ग्रामीण की पहली मैच यानी कि कुछ अलग से चटपटा यहाँ पर देखने को मिलेगा लीग में जिस तरीके से संदीप भास्कर ने रखे थे ग्रामीण मैचेस उसी तरीके से यहाँ पर मोंटी पाटिल और निकु मात्रे विकी पाटिल हो उन्होंने भी उसी तरीके से आयोजन रखा है क्योंकि दर्शक भी काफी मजा भी काफी है और यहाँ पे बड़ी विकेट रोशन पाटिल बैक टू नहीं ये जरूर है यहाँ से एक बड़ी विकेट जरूर आ चुकी है क्योंकि रोशन पाटिल आउट हुए एक अच्छे खिलाड़ी है बैटिंग करना वो भी जानते थे और एक अच्छे फॉर्म इन फॉर्म किरवली टीम के खिलाड़ी थे और वो ही खिलाड़ी यहाँ से रनआउट के रूप में आउट हुए देखिए क्या फील्डिंग हुई है पर। बहुत ही अच्छी फील्डिंग हुई है निखिल द्वारा बहुत ही अच्छी फील्डिंग और फील्डिंग करने के साथ गेंद भी तुरंत संकेत के हाथों में फेंक दी उन्होंने उसके कारण विकेट मिला विनंती है कि अपन या वो व्यासपी आप स्वागत है चला मोरबी संघाच संघ नायक कालोंद्रे संघ संघ नायक रिपोर्टिंग कराई है पुढ़ा होना सामना मोरबी विपक्ष कालोंद्रे चला ड्रेसिंग पॉइंट कर आई आप कालोंद्रे टीम के कप्तान प्रवीण घरत या परेश चिखलेकर अच्छी टीम है अच्छे मैच होगा जहीर पटेल इस मैदान के अंदर हमारे शुभ प्रेमी अब्दुल सेक चाचा वो भी है देखिए जहीर जी उनका भी स्वागत हम करते हैं सभी खिलाड़ियों का अच्छा फेप पिलाते हुए तो चाचा आपका भी स्वागत है ओ ये अच्छा मौका था मेरे ख्याल से बड़ा मौका था ये बैक टू बैक दूसरे रनआउट का ये मौका था मेरे ख्याल से यकीनन काफी अच्छा मौका था ये रनआउट लेने का लेकिन संकेत पाटिल गेदर न कर सके तुरो लेकिन तुरो काफ़ी अच्छा था दो रम बनाए परनों ने काफ़ी अच्छी चतुराई दिखाई सिंगल को डबल में कैसे कन्वर्ट करना है वो परनों बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं तो सत्ताईस रन तीसरा और चल रहा है हमारे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स सचिन खरात वो भी यहाँ पर आए हैं उनका भी स्वागत है ज़रूर उनकी उपस्थिति इन छह रौतों में यहाँ पर इस मंच के ऊपर होगी सचिन जी खरात बिल्डर्स एंड डेवलपर्स खारगर सेक्टर बीस उनका भी स्वागत हम करते हैं और हमारे बाबू जी जयेंद्र मात्रे सुजल ने बहुत ही अच्छा कैच लिया सुजल ने और जितेश बैक टू द पवेलियन जितने भी बल्लेबाज मैं यहाँ देख रहा हूँ ज्यादातर जीरो के ऊपर आउट हो रहे नहीं जरूर क्योंकि संकेत को इस तरह से खेलना आसान नहीं होता है जहिर लेकिन देखिए जो प्रेशर उन्होंने किया था जो दबाव पहले ओवर में डाला था वही प्रेशर आप इस ओवर में करने की कोशिश वो भी कर रहे हैं ताकि दूसरे ओवर में जो ज्यादा रन गए थे तकरीबन चौदह रन गए थे उसके भर यहाँ पर इस ओवर में निकालना बेहद जरूरी था संकेत पाटिल को और वो कर रहे हैं संकेत पाटिल अभी तक देखा जाए तो विकेट है अभी तक तीन विकेट निकाल चुके हैं संकेत पाटिल पाटिली अच्छी गेंदबाजी की है हालांकि पहली ओवर में अंतिम गेंद के ऊपर छक्का खाया था लेकिन इस ओवर में प्रनो के ऊपर भी जिम्मेदारी थी प्रथम आए इससे पहले जिस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच मिला था काफी उम्दा गेंदबाजी की थी इस गेंदबाज ने वो अब आए बल्लेबाजी करने के लिए हो देखिए क्या गेंद कहाँ से निकली जबरदस्त प्रयास था और सही मायने में देखिए प्रणव जो खेल रहे हैं किस रनों के ऊपर अच्छी पारी खेल रहे लेकिन यहाँ से अब जो बल्लेबाज आए हैं नए बल्लेबाज प्रथम घरत जो पिछले मैच तो मैच के विनर थे मोंटी मोंटी पाटिल पाटिल आते पहले से जानकारी ली कैसा क्या चल रहा है तो मोंटी पाटिल ने मुझे जानकारी दी अभी भाई टेंशन अभी खत्म <laughs> <laughs> uh, आजकल uh, तो मैं संदीप जी बात करूंगा कि अंपायर को भी काफी मौका मिला है व्हाइट किले रिव नो बॉल के रिव्यू और बिफोर के लिए बीमर छक्के लिए, 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 लिए एक समय ऐसा ना है कि आयोजक बोलेंगे के के <laughs> कि हम तो अच्छा मैच चल रहा है देखिए अच्छा और चल रहा है और इस वक्त तीन और समाप्त हो चुके हैं अट्ठाईस दिनेश ठाकुर काफी सीनियर अंपायर है क्योंकि इससे एक खिलाड़ी भी अच्छे हैं, अच्छे अंपायरिंग करते हुए। और एक आयोजन करता भी अच्छे है पहले देखिए यदि पीछे चले जाए तो एक अच्छे ऑर्गेनाइजर की भूमिका में दिनेश ठाकुर को हमेशा हमने देखा भी है अच्छे कप्तान भी है और अब अच्छे पॉन्सर भी बने हो। पॉन्सर भी बने हैं। तीन ओवर में अट्ठाईस रन लेकिन देखिए बहुत दिनों बाद जहीर जी पटेल क्योंकि हमेशा जिनकी जयदेव पाटिल हमारे पीछे बैठे हुए हैं और जयदेव शेट बात जहीर से ही सब कुछ हमने सीखा है क्योंकि जब ये टीम हमारी आप उस समय के कप्तान आप खेलते थे तो हम आपके पीछे आपके टीम के पीछे जहीर पटेल और हम आते थे और हमारा काम खाली कॉमेडी बॉक्स में जाकर बैठना था दोनों का और फिलहाल वहाँ जाकर फिर बैठ बैठ के क्या करे तो ये माइक संभाला आपने हमने दोनों ने और जहीर पटेल से बहुत कुछ सीखा भी हमने और अच्छा प्यार भी मिला है सभी आयोजनकर्ताओं का सभी दर्शकों का और आज भी कुछ दिक्कतें आती है तो सीधा फोन ज़हीर पटेल को हम करते हैं क्योंकि उनकी सलाह हम हमेशा लेते हैं क्योंकि अच्छा मार्गदर्शन वही होता है जो आपका अच्छा रास्ता देखा है और उसमें हमारे जहीर पटेल का मैं फकर से हमेशा नाम लेता हूँ धन्यवाद शुक्रिया संदीप जी ये आपका एक बरपन है नहीं तो टेनिस क्रिकेट में आपका काफी योगदान अच्छा है उस वक्त की बात अलग थी और इस बार अच्छी गेंद क्योंकि उस समय की आप जिस तरह से तो आपने बात की है तो उस समय न तो जाने के लिए किसी बात गाड़ी थी ना कुछ थी जब भी मैच हुआ करते थे तो सुबह जल्दी हम पहुंचा करते थे मुरबी में और मुरबी से रिक्शा में जाया करते थे चलो कालुंधरा टीम कालधुंदरा टीम टॉस के लिए आपको आना है काफी कॉल हो चुके हैं प्रवीन गरत चलिए प्रवीण आइए ओहो ये डायरेक्ट करने की कोशिश हो अंपायर की भूमिका में अंगद पाटिल को हम देख रहे हैं तो शिफ़ कहाँ गए लेग बाइस के रूप में रन और अंगद पाटिल जो इन आयोजनकर्ताओं की भूमिका में बहुत अच्छा योगदान और अंगद पाटिल की बात करें तो के पी सिंह इनान यानी कि स्कोर <laughs>

सुपर दस में प्रवेश करें और इस बार खराब गेंद और बहुत ही बेहतरीन छक्का बोल दिया बोल शायद गुम हो चुकी है सिर्फ देखिए यही अभिषेक था जिन्होंने पिछली मैच में चार रन डिफेंस किए थे और उसे अभिषेक के ऊपर आप यहाँ से प्रणव पाटिल का आक्रामक रूप ले रहे हैं और ये गेंद भी उतनी अच्छी थी अजीस गेंद के ऊपर खाली खेलना ही था लेकिन पहली तीन गेंदें अच्छी फेंकी एक लेग बाई दिया था एक सिंगल दिया था लेकिन चौथी गेंद खराब कर बैठे वो भी प्रणव जैसे बल्लेबाज को और इस बार गेंद हवा में और दूसरा छक्का देखिए प्रेशर को किस तरह से क्रिएट करना चाहिए इसका जीता जागता उदाहरण इस मैदान के अंदर हम देख रहे हैं प्रणव पाटिल के रूप में देखिए क्या बल्लेबाजी कर रहे, है। अच्छी कर रहे है। निकेश मात्रे है। हैं निकेश मात्री पाटिल को अनुभव है ना दस टावर करते हैं ना तो उजाला काफी बढ़ सकता था घोड़ेगा छोटा लेकिन फिर भी दस टावर थे देखिए मैन ऑफ द सीरीज की बाइक आ अनिकेत पाटिल और यहाँ पे तीसरा क्या बात है यहाँ पे पढ़ रहा हूँ तीन गेंदे के ऊपर तीन छक्के इसी, के, इसी को कहते हैं क्रिकेट इसी को कहते हैं खेल क्रिकेट क्योंकि आपने जिस तरीके से पहला ओवर देखा संकेत का सिर्फ दिए छे उसके बाद दूसरा ओवर संकेत ने देखा संकेत ने रन दिए दूसरे ओवर में सिर्फ चार लेकिन दोनों गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए जबरदस्त और ये देखिए हमारे अनिकेत पाटिल ये बाइक लेकर आए हैं और ये मैन ऑफ द सीरीज की बाइक यहाँ पर आ चुकी है जो हमें पुरस्कृत की है दीपक्ष चव्हाण आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक के ऑनर हैं और एक बडी हस्ती हैं आमचे लाल ब्रिगेड संघटना के अध्यक्ष शेतकरी कामगार पक्षाचे झुंजार नेतृत्व खारघर विभागातील आमचे जीवनशेठ ठाकूर इथे आलेत जीवनशेठ ठाकूर यांना विनंती आहे की आपण यावं व्यासपीठावरती आमचे गणेश पाटील आहेत तरह हमसे शिवसेना चाहे मनीष पाटिल जीवनशेट ठाकुर याव अपना स्वागत आहे या प्रीमियर लीग मधे तो आयोजकों को भी सोचना है कि ये बात रहती है संदीप पाटिल में क्योंकि जहाँ भी मेहमान हो तो यकीनन जैसी नजर जाती है उन्हें बुलाते हुए मान सम्मान देते हैं यही तो टेनिस क्रिकेट में खास बात होनी चाहिए पर्नों की बात करें जब पर्नो पाटिल ने 11 गेंदे अब तक खेली है और अपने टीम के लिए उनतालीस रनों की पारी खेली है अभी तक नॉट आउट यानी कि हो सकती है अर्धशत की पारी इस लीग में पहली बड़ा मौका है जहीर जी और ये वाइट निखिल निखिल आए गेंदबाजी करने के लिए पहली गेंद वाइट कर बैठे टीम का स्कोर इस व्हाइट के साथ हो चुका है उन पचास और बहुत ही बेहतरीन शॉट वन बाउंस सी मारे का बार चार रन और इसी के साथ पचास रन मुकम्मल तो देखिए एक अच्छा टारगेट यहां पर अब शट होता हुआ नजर आ रहा है प्रणव पाटिल आ, क्या खेल कर रहे हैं और ये बड़ा मौका है जहरी पटेल इस विभाग प्रीमियर लीग में पहली फिफ्टी किस खिलाड़ी के नाम आएगी पहले तीन छक्के दागने वाला यही खिलाड़ी है अब यहाँ से तिरतालीस तो पहुंच चुके हैं नहीं अभी चौका प्रथमेश पर्त, ने लगाया प्रथमेश कोपरकर ने प्रथम घरत यहाँ प्रथमेश कोपरकर लिखा है प्रथम घरत है जो कि रंजन के ही है जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी इससे पहले मुकाबले में और मैन ऑफ द मैच का खिताब भी जीता था वही प्रथम इस बार अच्छी गेंद लेकिन हल्के से खेलना चाहते थे सिंगर रन पूरा कर लिया बहुत ही अच्छी यहाँ पे सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए क्योंकि स्ट्रैक दिया और संदीप जी मैं बात करूँगा अगर यहाँ से अगर बाई चांस संकेत पाटिल की मुकाबला हारती है तो संकेत पाटिल बगैर मुकाबला खेलना होगा अगला नहीं बिल्कुल ये बड़ी रिक्स होगी मेरे ख्याल से तो यहाँ से जितना कौनसे भी हालात में उन्हें ये करना होगा लेकिन देखेंगे क्योंकि कड़ी चुनौती है जयदुर्गा तौर पर प्रणव पाटिल की जो कप्तान कैसा होना चाहिए उसका उदाहरण दिखा एक तरफ संकेत पाटिल ने भी अपना दम कम दिखा तो दूसरी तरफ बल्लेबाजी में यहाँ पर प्रणव दिखा रहे हैं और काफी नजरें होंगी इस मुकाबले के ऊपर नेहरूल और पिसारो टीम की तो जहीर एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि दो कप्तान एक संकेत है और दूसरे प्रणव है एक बॉलर है एक बैटर है तो दोनों ने अपना काम पूरा किया मेरे ख्याल से दोनों ने काम पूरा किया और इस बार बहुत ही बेहतरीन शॉट के लिए गेन हवा में है और एक अच्छा कैच बड़ा विकेट राहुल ने लिया कैच राहुल कोहली मुरबी के यानी कि खिलाड़ियों की खेती जैसी उगती है मुरबी में नहीं बिल्कुल जब मुरबी प्रीमियर लीग होते हैं ना तो ये छोटे छोटे नौ युवा होते हैं ना वो काफी फॉर्म में चलते हैं लेकिन आजकल मौका थोड़ा सा कम मिलता है लेकिन देखिए अच्छा कैच लिया जब कैच आया तो कैच लपकने का मौका उन्होंने प्राप्त किया थोड़े से नाराज हमारे सोपान काका का, जो इस टीम के पुरस करते हैं लेकिन स्कोर तो काफी बड़ा खड़ा कर लिया उन्होंने क्योंकि पचास प्लस हो चुके हैं अब तक देखा जाए तो इस ओर की केंद्रीय शेष है दो और स्कोर हुआ है स्कोरवर्ड के ऊपर चौवन यानी कि उनकी गेंदबाजी काफी अच्छी है इससे पहले मुकाबले में हमने देखा कि उनसठ का टारगेट था लेकिन फिर भी अंतिम ओवर में चौतीस रखे थे जबरदस्त गेंदबाजी तो अच्छी नजर आई थी अब यहाँ से चौवन रन तो दो गेंदों का खेल अभी भी शेष बचा हुआ है नए बल्लेबाज कोपर का है बल्लेबाजी करने के लिए दो गेंदे शेष है यही चाहेंगे कि दो गेंदों में दो तीन रन भी आते हैं तो एक बड़ा टारगेट सेट होगा लेकिन यहाँ पर बहुत ही ऊंचा और लंबा छक्का करने क्या आते ही शुरुआत की यहाँ पे गुड्डू देखते ही रह गए खाली देखने का उनका वो काम था कि गेंद कितनी लंबी और कितनी ऊंची है और एक छक्के साथ साठ रन मुकम्मल हो चुके बहुत ही बड़ा स्कोर खड़ा कर लिया यहां पे रोइन टीम ने और फिर से इस गेंद को खोद के निकाला है एक रन दौड़ के पूरा किया है दूसरे के लिए पलट चुके हैं और देखते देखते दूसरा रन भी मुकम्मल तीसरे के लिए पलटे है और करीबी मामला थर अंपायर दो रन मुकम्मल हो चुके हैं देखना यहां पर तीसरा रन हुआ है या नहीं दूसरे एंगल से आपको जाना है करीबी मामला है और तीन रन शाबाश मुकम्मल बहुत ही अच्छी रनिंग और दिनेश ठाकुर देखिए कितने अनुभवी अंपायर है भाई भी वही करना चाह रहा था जहीर क्योंकि देखिए वहां पर जिस तरह लेकिन से लेकिन आपकी आवाज संभाल के रखिए छह दिन आपको यहाँ पे रहना है वो, वो बात नहीं है जो इस वक्त उन्हें 100 परसेंट कॉन्फिडेंस था कि बल्लेबाज आउट नहीं है नहीं दे तो रहे थे हाँ लेकिन वहां पर बल्लेबाज फील्डिंग रिव्यू लिया गया लेकिन अभी उनका काम भी था कि फील्डिंग रिव्यू मांग रहे तो उनको दिया जा रिव्यू और सोपन का, का? टॉस करूंगा अब छे जावई नितिन पाटील चलो जयेश भोसले और दीपक पाटिल आइए अच्छा मुकाबला चल रहा है जलपान हुआ हो तो आपको आना है नहीं तो मुझे और संदीप पाटिल को आदत सी थी पहले कि दोनों कामेटर पूरी पूरी पूरे दिन पूरे रात पूरा दिन पूरे रात कुछ भी हो का टॉस कल यहां पे दर्शक काफी दिखाई देंगे क्योंकि कल जिस तरीके से पहले मुका, पहला मुकाबला है ओमकार पाटिल और उस्मान पटेल के बीच में टक्कर होगी जबरदस्त मुकाबला होने की आशंका है मोरबी टीम ने टॉस जीता है फील्डिंग ली है मोरबी टीम ने 6 बजे रिपोर्टिंग करनी है सचिन टीके जो कि टीम ओनर है 6 बजे आना है आपको और उनके साथ जो कि ओमकार पाटिल की टीम है उस टीम के ओनर है दिनेश ठाकुर है अनिल पाटिल करसन के प्रेम ठाकुर वो अपनी टीम को कल 6 बजे यहाँ पे उपस्थित रहना है साढ़े 6 बजे मुकाबला शुरू होगा नहीं कल जही इतने जल्दी मुकाबले ज़रूर शुरू होंगे इस बात को सभी टीमों को गौर भी करना है यकीनन क्योंकि आज ये उद्घाटन का दिन था और काम काज बाकी था एक मराठी के बहुत ही अच्छे कॉमेटर आ चुके हैं जहेश भोसले काफी अच्छा आवाज उनका एक करक आवाज़ जबरदस्त आवाज के मालक वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ रोहित कोहली जबरदस्त जबरदस्त फॉर्म में चल रहे रोहित कोहली उन्होंने भी शायद अभी दूसरी बाइक ली पहली बाइक ली तो रोहित है दूसरी बाइक ली तो आसे <laughs> <laughs> इनका हो चुका अभी काम धन्यवाद जयजी पटेल सर आणि अगदी त्याच वेळा संदीपजी पाटील सरांचा आवाज आपण ऐकत होतो चौसष्टचा पाठलाग करायचा का बॅटिंग केली या प्रणव पाटीलच्या बॅटमधून जिथे अकरा मध्ये एकोणचाळीस धावा आल्या संकेत पाटीलने चांगली गोलंदाजी केली सहा धावा देत असताना दोन विकेट मिळवल्या दुसऱ्या षटकामध्ये देखील चार धावा देत असताना एक विकेट मिळवली एकंदरीत आपल्या स्पेलमध्ये दहा धावा खर्च करत तीन विकेट ज्या संकेत पाटीलने मिळवल्या परंतु अगदी पुढच्या षटकांमध्ये धावांची लयलूट होत असताना पाहायला मिळाली कारण वीस धाबा अभिषेकच्या षटकामध्ये आल्या प्रतीक पाटीलच्या षटकामध्ये अठरा दाबांची लयलूट झाली एकंदरीत आपण पाहिलं तर चौसष्ट बनल्यात इथे चौसष्ट टार्गेट ठेवण्यात आलं त्रेसष्ट बनल्यात वैद्यच्या आतमध्ये आघाडीची जोडी दाखवत असताना पाहायला मिळते पण ती पाटील आणि त्याच्या साथीला मैदानाच्या आतमध्ये अभिषेक घाडीगावकर मागील मॅच हिरो जो मात्र खारघारघरच्या सेक्टर बारामध्ये राहतो आणि एक दर्जेदार बॅटिंग त्याची मागील मॅचमध्ये किंबहुना अगदी त्याच वेळेला गोलंदाजीच्या जोरावरती त्याने सामना जिंकून दिला होता तो एक बेस्ट ऑलराऊंडर खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये येतोय त्याच्या माध्यमातून कशा दाटणीशी बॅटिंग होईल हे पाहणं गरजेचं बंडी स्ट्राइक एंड वरती आहे लेफ्ट हँड राईट हँड कॉम्बिनेशन पहिले सडक गोलंदाजी मार्क वरती गोलंदाज दाखल होत असताना पाहायला मिळेल प्रणवचा पहिला बॉल कट केलाय गलीमध्ये क्षेत्रक्षक आहेत तिथे केवळ एकेरी धाव प्राप्त होत असताना पाहायला मिळते लेफ्ट right हँड राईट हँड कॉम्बिनेशन आहे चांगल्या दर्जाची गोलंदाजी मागील सामन्यामध्ये पाहायला मिळाले होते फ्रंटलाईन गोलंदाज तिन्ही आघाड्यांवरही आपण पाहिलं ना प्रणव पाटीलने पाघील मॅचमध्ये पंधरा दाबा खर्च केला होता पहिल्या षटकामध्ये मग त्याच्या साथीला प्रथम गरज असेल प्रतिका पाटीलला याची गोलंदाजी पाहायला मिळाली आणि या या तिन्ही गोलंदाजांनी चांगल्या दाटणीशी गोलंदाजी केली कुतुहलाचा विषय आहातो की तिन्ही गोलंदाज एका गावाला बिलॉंग करतात रोहिंदन या गावाला बिलॉंग करणारे गोलंदाज पाहायला मिळाले पुढचा बॉल गोलंदाज पुन्हा एकदा सजीन रायटर हो द्यावे स्लॉट मध्ये पाठवला पार्किंग प्लॉट मध्ये चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर इट्स आउट ऑफ द पार्क षटकार षटकार आला पुढ्यात आलेला बॉल डाऊन द ग्राउंड लॉंग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पवित्रा इथे दाखवलाय चांगल्या रीतीची बॅटिंग करत असताना अभिषेक खोलात टाकलेला हा बॉल ओवर होता ऑन साईडला केलं डीपमध्ये प्रोटेक्शन आहे मिडबिगेटला क्षेत्ररक्षक इथे चेंडूवरती येत असताना पाहायला मिळतोय केवळ एक सिंगल मिळेल सिंगलने धाव फलक हलते ठेवण्याचा प्रयत्न केलाय अभिषेक मोठ्या चेंडूंवरती मोठ्या फटक्यांमध्ये डील दी करतोय जरूर परंतु अगदी त्याच वेळेला कौतुकास्पद कामगिरी करत असताना त्याच्या माध्यमातून सिंगल आणि डबलसलाही प्राधान्य देण्यात आलंय या गोष्टी तितक्याशा महत्वाच्या असतात क्रिकेटच्या कुरुक्षेत्रावरती तुम्ही मोठे फटकेबाजी करता जरूर परंतु स्कोरबोर्ड चालू ठेवणं हे गरजेचं राहतं इथे फटका फासलाय बंटी पाडीलचा क्षेत्र शक्षणूच्या खाली आला लॉंग ऑफला झेल टिपण्यात आला पहिला खेळाडू बाद नेक्स्ट मॅच काळुंदरे टीमने टॉस जिंकलाय हॅलो टीमने टॉस जिंकला आहे काळुंद्रिया संघ आपला लवकरात लवकर निर्णय आमच्यापर्यंत पोहोचवा काळुंदरी टीमने टॉस जिंकला आहे नेक्स्ट मॅच आपल्या भेटीला येत असताना पाहायला मिळेल त्याच्या अगेन्स्ट खेळत असताना जो मात्र आर एम एस के वाय सी सी मुरवी टीमला आपण पाहणार आहोत दोन बलाढ्य संघ एकामेकाच्या विरोधामध्ये येत असताना पाहायला मिळतील क्षेत्रक्षणाचा निर्णय घेतला काळुंदरी टीमने ग्रामीण धमाका नेक्स्ट मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल ग्रामीण धमाकामध्ये आपण येतोय प्रतीक पाटील न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना पाहायला मिळेल प्रतीक पाटील उत्कृष्टरित्या त्याच्या माध्यमातून चांगल्या दर्जाची गोलो पाहायला मिळाली परंतु त्याच्यावरती हल्ले चढवण्यात आले होते तो प्रतीक पाटील मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंग सडी पुढचा बॉल खोलात टाकला मुरबी सहा खेळाडू प्रतीक पाटील मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय मिडॉफला क्षेत्रक्षकाने कलात्मकता इथे दाखवली वेगाने चेंडूवरती आला उसळी प्राप्त झाली होती तिथे उसळी घेणाऱ्या चेंडूवरती अगदी झपाटून चेंडूला इथे अडवलं अशा रीतीचे क्षेत्रक्षण ज्या वेळेला होतं ना त्यावेळेला धाबा रोखल्या जातात आणि खऱ्या अर्थाने एक प्रेशर क्रिएट होतो एक मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा चौसष्ट धावसंख्येचा संख्येचा पाठलाग करायचा आहे नऊ ला एक पुढचा बॉल घेऊन पुन्हा एकदा गलोंदा प्रणव पाटील कमी गतीने टाकला बाटने लपटलाय फ्लॅट पॅरल हा गाडीगावकर मैद्राच्या आतमध्ये तो है, अभी शिक गाड़ी उभा आहे अगदी फिंगर रोल केली शेवटच्या बॉलवरती कमी गतीने टाकण्याचा प्रयत्न केला लपेटला ऑन साईडला चेडूला पाठवला षटकार आला संघाची धावसंख्या सहाने ने असताना जाऊन पोचते जिथे पंधरा धाबा धाव आहेत येणारे चोवीस चेंडू आणि एकोणपन्नाची गरज राहील या मॅचच्या दरम्यान एका मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग चालू आहे परंतु इरादे नेक आहेत मैदानाच्या आतमध्ये अभिषेक घाडीगावकरचे तीन बॉल त्याने फेस केले तीन बॉलमध्ये तेरा धाबा त्याच्या बॅटमधून आल्यात दोन उत्तुंग षटकार त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाल्यात मागील मध्ये तेरा चेंडू पंचवीस धाबांची वादळी आणि एक झुंजार खेळी त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाली परंतु या मॅचमध्येही त्याचा हा झंझावात काही थांबण्याचं नाव घेत नाही आहे गोलंदाजांवरती बलस्थान असणारा संघ जयदुर्गा रोहिंजन या संघाच्या प्रत्येक गोलंदाजांवरती तो तुटून पडलाय प्रथम घरात गोलंदाजी मार्क वरती येत असताना पाहायला मिळतोय पुढचा बॉल घेऊन यावेळेला पुढ्यात आलेला बॉल ऑन साइडला चेडूला फेकून दिले क्षेत्ररक्षक आहे त्याच्या बस्तकावरती दस्तक देणारा हा स्ट्रोक आउट ऑफ दॅट मॅग्निफिसंट स्ट्रोक षटकार क्रिकेटचा खेळ पहा ना किती रंजकता भरलेला आहे कारण मागील मॅचमध्ये दोन षटकांमध्ये सहा धावा आणि तीन विकेट ज्या गोलंदाजाने घेतले होते ना त्याच्यावरती हल्ले चढवलेत आणि पहिल्याच बॉलवरती सहा धावा कुठून काढलात हा बॉल देखील आणखीन एक रक्षक आहे प्रत्युत्तर दिलं आहे खेळाडू बाद होता पाला होत असताना पाहिल्यामुळे ते पुढच्या बॉलवरती सरप्राईज राहिला आहे प्रतीक पाटील साडी मोठा फटका केला होता प्रतीक परंतु हताश निराश भाव मुद्रा त्याशी पाहायला मिळते कारण हा चेंडू त्याला वाटलं होतं की एलिव्हेशन प्राप्त होईल परंतु बॅटचा टोला लागला एलिव्हेशन मिळालं नाही लॉंग ऑन माउंटलँडवरती कोंडी फोडली एक चांगला झेल टिपण्यात आला आणि खेळाडू होत असताना बाद आपण पाहतो प्रतीक पाटीलच्या रूपाने प्रथम घरातला यश प्राप्त झालं मागील मॅचमध्ये त्याने प्लेअर ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आपल्या गोलंदाजीच्या जोरावरती मिळवला होता त्याच्या माध्यमातून आणखीन एक विकेट आणखीन एक सफलता प्राप्त करण्यामध्ये यशस्वी राहिला बाद होण्याआधी आपण प्रतीक पाटीलचा एकंदरीत खेळ पाहिला तर त्याने तीन बॉल फेस केले तीन बॉल मध्ये सात धावांची खेळवी केली त्यामध्ये एक षटकारी पाहायला मिळाला आणि तेरा धाव संख्येवरती अभिषेक गाडीगावकर खेळतोय अक्षय पाटील नवीन बाडर मैदानाच्या आतमध्ये येत असताना कोपरागावचा खेळाडू अक्षय पाटील मैदानाच्या आतमध्ये दाखवत असताना पाहायला मिळतोय त्याच्या माध्यमातून पुढे कशा धाटणीचा खेळ केला जातो कारण पार्टनरशिप बिल्ड करावे लागेल विकेट टेकर गोलंदाज आहे एक लाईन गोलंदाज आणि मागील मॅच मध्ये केवळ सहा धावा दोन षटकांमध्ये आणि तीन विकेट कामगिरीच्या जोरावरती त्याने प्लेअर ऑफ द मॅचचा पुरस्कार घेतलाय बॅटचा स्टिकर जवळ आणखी एक संधी निर्माण झाली आहे बोल्ड अँड कॉट दुसऱ्या बॉलवरती दुसरा खेळाडू ज्या गोलंदाजाने अचूक त्याने गोलंदाजी केली आहे त्याची ऍक्शन त्याची रिॲक्शन हा बॉल गुडलेन स्पॉटवरती टाकला बॅचचा स्टिकर जवळ लागला आणि अगदी स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये चांगला झेल सहज साधा सोपा झेल इथे टिपणा आणि खऱ्या अर्थानं आणखीन एक खेळाडूला बाद करण्यामध्ये प्रणय घरतला यश प्राप्त झालंय ही रोहिंद एक्सप्रेस पहिल्या बॉलवरती असं वाटलं होतं की कुठे ना कुठे तरी पटरीवरून उतरले की काय परंतु नंतर पुन्हा एकदा त्याने कम बॅक करून दिलं आणि दोन विकेट मिळवल्यात नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये संदेश करावकर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना पाहायला मिळेल मुरबीचा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय तीन खेळाडू बाद झाले आहेत ऑन अ हॅट्रिक आहे गोलंदाज ऑन अ हॅट्रिक इथे हॅट्रिक संपादन केली जाईल का क्रिकेटच्या हॅट्रिकची एक रंजक कहाणी राहिली स्पो फोर्थ या गोलंदाजाने पहिली हॅट्रिक घेतली तिथून संघ साथीदारांनी त्याच्यासाठी वर्गणी गोळा करून हॅट बक्षीस दिली आणि त्यानंतर क्रिकेटमध्ये हॅट्रिक हा शब्द आला मैदानाच्या आतमध्ये हॅट्रिकच्या बॉलवरती गोलंदाज पुन्हा एकदा प्रथम घरातला आपण पाहतोय सहा धावा खर्च केला दोन विकेट मिळवल्या हॅट्रिकचा बॉल उजव्या बाहेर डी बॅक्स कबरला क्षेत्रक्षक अगदी दुविधा मनस्थितीमध्ये होता की हा झेल घ्यायचा की चेंडू अडवायचा या प्रयत्नामध्ये चेंडू अडवणं त्याने पसंत केलं धावा मिळाली ती एक संघाची धावसंख्या बावीस बावीस वरती तीन संघ अडचणीमध्ये आहे सध्या परिस्थितीमध्ये हा प्रेशर क्रिएट होतोय बॅटर अभिषेक गाडीगावकर वरती कारण तीन बॉलवरती तेरा धावसंख्येवरती तो नॉट आउट खेळतोय आता मात्र तो कशा रीतीने फेस करेल प्रथम घरातला हे देखील पाहणं गरजेचं राहणार आहे प्रथमने वेगाने गोलंदाजी केली आहे विकेट मिळवण्यामध्ये तो यशस्वी राहिला आहे या स्पर्धेमध्ये अद्याप पाच विकेट त्याने घेतल्यात उदव्याशीच्या बाहेर कट केला संधी निर्माण केली होती क्षेत्ररक्षकाने आपलं डेडिकेशन लेवल चांगलं पाहायला मिळालं प्रयत्न चांगले होते झेल थोडासा दूर राहिला एक सिंगल आली आहे चार बॉल चौदा वरती अभिषेक खेळतोय संघाची धावसंख्या तेवीस या धावसंख्येवरती वधारत असताना पाहायला मिळते जे जे खेळाडू आपण मैदानाच्या आतमध्ये अभिषेकच्या माध्यमातून चांगला खेळ करत असताना पाहायला मिळाला त्याचा टान्स हा सबशेल सांगून जातोय की तो एक लेदर बॉलचा चांगला खेळाडू असावा हा फाटका डाऊन राऊंड खेळ आहे क्षेत्र रक्षक घेण्याआधी आउटफिल फास्ट आहे स्ट्रेट ड्राईव्ह धावमेतील चार हा येतो चौकार पहिला बॉल वरती संदेशच्या बॅट चौकार संदेश करावकरच्या बॅट चौकार आला डाऊन द ग्राउंड ओव्हर दी बोलर हेड साईड स्क्रीन च्या अगदी समोर चौकार आला संघाच्या धाव संख्या दोन षटकांचा खेळ संपुष्टात आलाय पहिल्या षटकामध्ये पंधरा दुसऱ्या षटकामध्ये आला सतरा बारा अर्थात बंडला त्या सत्तावीस येणारे अठरा बॉल सददीची गरज सामना दूर नाही आहे मॅच बंट आहे पार्टनरशिप बिल्ड झाली आहे या विकेट साठी कारण आपण पाहिलं ना तर पाचव्या विकेटसाठी पार्टनरशिप बिल्ड होत असताना संदेश करावकर आणि अभिषेक गाडीगावकर याला आपण मैदानाच्या आतमध्ये पाहतोय कर नावामध्ये काहीतरी वेगळंच वजन आहे कारण मुरबीचा खेळाडू त्याच वेळेला खारघरचा खेळाडू दोन्ही एकाच विभागामधील खेळाडू आहेत हे मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळालेत सचिन रमेश तेंडुलकर असेल सुनील गावसकर असेल रमाकांत कर या नावाने काहीतरी वेगळं दिलं अजित वाडेकर मग दिलीप वेंगसरकर मैदानाच्या आतमध्ये दोन कर नावाचे खेळाडू पाहायला मिळतात अभिषेक घाडीगावकर आणि त्याच्या साथीला संदेश करावकर गोलंदाजी मार्क मध्ये गोलंदाज प्रदीप पाटीलचा हा बॉल होता हो कट करण्याचा प्रयत्न वेगाने टाकलाय दर्जेदार गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये याही षटकामध्ये प्रतीक पाटीलने चांगल्या धाटणीची चेंडू हात आले पहिल्या षटकामध्ये धावा खर्च केल्या जरूर परंतु विकेट मिळवली महत्वपूर्ण विकेट त्याला संपादन त्याने केली होती आणि यावेळेच्या या, या मॅच मध्ये आपण पाहिलं ना तर खऱ्या अर्थानं प्रतीक पाटील घोलंदाजी मार्कवरती पाहायला मिळतो यावेळेचा बॉल ऑन साईडला केला आहे डीपमध्ये प्रोडेक्शन ठेवला आहे पहिल्या षडक प्रणव पाटीलने आता आलं होतं दुसऱ्या षडक प्रथम ने आता आलं तिसऱ्या षडक प्रतीक पाटील आला अर्थात तिन्ही गोलंदाज वेगवेगळे गोलंदाजांना इथे पाचन करण्यात आलाय कुतुहलाचा विषय हात राहिला की गोलंदाजांनी आपल्या वेगावरती जास्तीचा भर देत असताना पाहायला मिळाले अठ्ठावीस ला तीन सोळा चेंडू छत्तीस ची गरज पुढचा बॉल यावेला डाऊंड ग्राउंड केला लॉंग ऑफ लाक्षक आहे ऑफ ड्राईव्ह करत असताना एक दहा ऑवर्जून इथे प्राप्त करण्यात येत असताना पाहायला मिळते सिंगल ला प्राधान्य दिले षटकामध्ये धावा थांबलेल्या एकोणतीस षटकार लगावले तर त्याच्यासाठी केशवजी करावकर यांच्याकडून तीन हजार रुपयाचा कॅश प्राईज देण्यात येईल हा फटका इथे बॅटचा टोला लागला होता ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न चेंडू कमी गतीने टाकला म्हणून सुभे ज्या पद्धतीने हा श्रोत घेण्यात राहिले होते फलंदाज अभिषेक घाडी गावकरचे तो जास्त वेळ मैदानाच्या आतमध्ये उभा राहिला ना तर निश्चितच तो, तो कलाटणी आणून देऊ शकतो वीरेंद्र सहभाग ही स्पेक्स लावायचा आदरणीय सतीश पाटील साहेब काळुंद्रे यांचं देखील आगमन झालं आपलंही अर्धी कसं स्वागत आगतम स्वागतम सुस्वागतम हा बॉल कमी गतीने नाही रक्षकाचा भेद घेतला डॉट बॉल येत असताना आपण जास्तीचा विचार करतो तो अभिषेक गाडगावकरच्या स्पेक्स बद्दलची कारण वीरेंद्र सहभागी आपण पाहिलं होतं की तो स्पेक्स घालून बॅटिंग करायचा स्वरूप गांगुलीलाही तसं पाहायला मिळालं होतं आणि दोन्ही आक्रमक खेळाडू होते तिथे डॅनिल व्हिक्टोरी गोलंदाजी करत असताना स्पेक्स लावून गोलंदाजी करायचा परंतु बॅटिंग करतोय यावेळेस बॉल ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न पंचाकडे अपील करण्यात आली आहे तथ्य नाही आहे अपीलमध्ये पंचांनी ओळखलंय कारण एक पंचांच्या माध्यमातून दिनेजी ठाकूर यांना आपण पाहतोय बोलिंग अँड पंचांच्या भूमिकेमध्ये तर पंचनच्या भूमिकेमध्ये अंगत आपण पाहतोय तीन षटकांचा केस संपुष्टात आला एकोणतीसला ला तीन आहेत येणारे बारा बॉल पस्तीस ची गरज या षटकामध्ये केवळ आणि केवळ प्रतीक पाटीलने धाबा खर्च केला दोन मॅच इथून लांब केली नेक्स्ट मॅच ग्रामीण धमाका एका बाजूला मुरबी संघ खेळेल तो अर्थातच काळुंद संघाच्या संघाचे अगेन्स्ट दोन ग्रामीण विभागातील दोन महासत्ता एकामेकाच्या विरोधामध्ये येत असताना नेक्स्ट मॅच मध्ये पाहायला मिळतील परंतु या सामन्याकडे जर का आपण नजर खेटून प्रत्येक जण पाहत असेल कोण जिंकणार आहे हा सामना कारण बारा बॉल पस्तीस जावा मैदानाच्या आतमध्ये अभि अभीश... अभिषेक अजूनही उभा आहे नऊ चेंडू आणि पंधरा धाव संख्येवरती तो नॉट आउट खेळतोय या तीन बॉल से त्याच्या अगेन्स्ट निर्धाव स्वरूपाचे हात आले प्रतीक पाटीलने प्रथम घरत पुढचा बॉल घेऊन सज्ज होईल रोहिंजर एक्सप्रेस पटरीवरती आले है, हा बॉल कबर्सला खेळ आहे शेतरक्षक आहे पण ज्या वेळेला आपण म्हणतो ना एखाद्या खेळाडूचा आपण म्हणतो ना की अपयशाचा पाया जितका खोल त्याच्या यशाची इमारत ही तितकीच उंच असते कारण अपयशाचा पाया हा खोल तितकासा झाला नव्हता असंही म्हणावं लागेल पहिल्या बॉलवरती षटकार आला परंतु तो एक खचून गेला नाही चांगल्या दर्जाची गोलंदाजी केली आणि तदनंतर दोन विकेट देखील मिळवल्या प्रथम घरात गोलंदाजी करत असताना पाहायला मिळतोय दहा पालकावरती तीस आहेत येणाऱ्या अकरा चेंडू चौतीसची ची गरज अभिषेक मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय इथे हात खोलावा लागेल हे स्ट्राईक करावा लागेल गिअर बदलावा लागेल पुढचा बॉल घेऊन गोलंदाज पुन्हा दास्था एकदा सज्ज होत असताना लाँग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या दिशेने या मॅच मधील हवा काढून टाकली एक मोठी विकेट मॅच ची गोल्डन विकेट अभिषेक गाडे गावकर बाद नाही स्ट्रोक प्रॉपर होता मिडल तर रुज झाला होता परंतु क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी एक चांगला झेल इथे टिपण्यात आला एक खेळाडू जो चौथा बाद होत असताना तीसला ला चार येणारे बॉल आहेत ते तुमच्याकडे एकंदरीत आपण पाहिला ना तर केवळ दहा दहा चेंडू आणि चौतीस ची गरज नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये येतोय अंकित पोखराना मैदानाच्या आतमध्ये होत असताना पाहायला मिळेल अंकित पोखराना खारघरचा खेळाडू खारघर सेक्टर मधील खेळाडू आणखीन एक अंकित पोकराना याला आपण पाहतो मैदानाच्या आतमध्ये खोलात टाकलेला हा बॉल पॉईंटला चेंडू ट्रॅव्हल झालाय जमिनीला गुदगुल्या करत अलॉंग विथ द कार्पेट केलेला हा स्ट्रोक तिथे केवळ एक धाव प्राप्त होत असताना पाहायला मिळते एकतीस ला चार येणारे चेंडू आता मात्र समीकरण बदलत आहे सिच्युएशन ही आहे की एकतीस ला चार बाद आहेत इक्वेशनचा विचार केला तर नऊ चेंडू आणि तेहतीस ची गरज सामना दूर चाललाय गोलंदाजांनी चांगल्या रीतीने कामकाज केलाय याही मॅचमध्ये प्रथम घरात आपली भूमिका चांगल्या रीतीने अदा केली आहे फुलर लेनचा बॉल आऊट ड्राय करत असताना इथे क्षेत्ररक्षण होतय खराब नशिबाची सात धाव मिळतील त्या चार चौकार उजवे एसीच्या बाहेर आउटफिल्ड फास्ट आहे आणि त्याचा पुरेपूर वापर केला क्षेत्ररक्षकाचे जी काही अंदाज होता किमोना चेंडू फील्ड करण्याची जी काय त्याची शैली होती ती साऱ्या गोष्टी चुकीच्या होत्या की काय कारण चेडू त्याला हातामध्ये तो गॅदर करू शकलेला नाही आहे दहा मेळा इथे मिळाले त्या चार तज्ञांतरचा पुढचा बॉल हा खुलात पाहायला मिळाला प्रथम गरजने पुनरागमन चांगल्या रीतीने केलं आहे कम बॅक इज बेटर डॅन इज ऑलवेज सेटबॅक असं आपण अनेक वेळा म्हणतो की कमबॅक तुमचं कसं आहे ना हे नेहमीच पाहिलं जातं आणि कमबॅक चांगल्या धाटणीचा नेहमीच पाहायला मिळाला प्रथम गरजचा मोठा फटका आल्यानंतर हा बॉल कमी गतीने लपेटला ऑन साइडला चेंडूला पाठवला सीमारेषेच्या बाहेर षटकार सहा चेंडू आणि ते बीची गरज फ्रंट फुटला होता लोअर फुट लोअर अगदी स्लोअर पद्धतीचा हा बॉल फ्रंट फुटला पिक केला आणि पाठवला सीमारेषेच्या बाहेर कमी गतीच्या चे, चेंडूवरती मोठा फटका आला फलंदाजा मैदानाच्या आतमध्ये संदेशच्या बाटमधून सात बॉल सतरा धाव दोन भरती तो नॉटआउट खेळतो संदेश करावकर मैदानाच्या आतमध्ये तुटून पडलेला पाहायला मिळाला कारण दोन चौकार आणि एक षटकार त्याच्या बाटमधून आलेत आणि दोन चौकार आणि एक षटकाराच्या निशी संदेश करावकर सात बॉल सतरावरती नॉट आउट खेळतो येणारे सहा चेंडू ची गरज सहा चेंडू आणि तेवीस जावा कार्लस ब्रॅट वेटची आठवण होते अशा सिच्युएशनला कारण सहा बॉल एकोणीसशी गरज असताना विश्वचषक वेस्ट इंडिजच्या खिशामध्ये घालून दिला होता चार बॉल चार तुंग षटकार लगातार तारचे त्याच्या बाटमधून आले होते त्यात रिधीचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये करून दाखवा लागेल अंकितला देखील अंकित पोखराणा सायकिंड मध्ये पाहायला मिळतो शेवटचा आणि अंतिम षडक गोलंदाजी मार्कपती गोलंदाज क्रिश कोपरकर पेंदरचा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजी मार्कवर क्रिश कोपरकरला आपण पाहतोय पेंदर गावाला कर बिलॉंग करतो परंतु मागील मॅच मध्येही आपल्या गोलंदाजीची छाप त्याने सोडली होती चांगल्या रीतीने गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली होती प्रथमेश नेरुळकर देखील पेंदरचा जो मात्र गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळाला मागील मॅच मध्ये पुढचा बॉल यावेळेला मोठा फटका आला पहिल्या बॉलवरती मॅच खुला केलाय सतराची गरज पाच चेडू आणि सतरा धावा पाच चेंडू आणि सतराची गरज अंकित मैदानाच्या आतमध्ये मध्ये अंकित पोकराणा ज्या पद्धतीने बरसलाय मोठा फटका त्याच्या बाट मधून आलाय रुकना आम्ही आता नाही और झुकना आमने कमी शिकाही नाही हेच सांगण्याचा सा जणू प्रयत्न त्याच्या बाट मधून मिळाला मोठा फटका येत असताना फुलरलींचा बॉल डाऊन द ग्राउंड मोठा फटका त्याचा बॅटमधून आला सामना अगदी धोलायमान अवस्थेमध्ये पाहायला मिळेल कारण येणारे पाच चेंडू सतरा धावा रोखल्याही जाऊ शकतात आणि बनवल्याही जाऊ शकतात अंकित मैदानाच्या हात मध्ये जदूवर उभा आहे तदवर सारं काही मुमकिन आहे पुढचा बॉल घेऊन गोलंदाज पुन्हा एकदा जोध असताना पाहायला मिळेल क्रीश उद्वेशीच्या बाहेर पुनरागमन चांगलं गेलंय क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी एकदा इथे अवर्जून कम्प्लीट करण्यात येते बाईसच्या स्वरूपामधून एकेरीच्या मदतीने धाव पलक्यावरती जावा जाऊन पोचत आहेत जिथे अठ्ठेस आहेत येणारे चार बॉल सोळाची गरज संदेश मैदानाच्या आतमध्ये सात बॉल सतरावरती नॉट आउट खेळतोय संदेश करावकर जर त्याच्या बाटमधून मोठे फटके आले तर मास्कला कलाडणी प्राप्त होऊ शकते किंवा विजय एक मोठा प्राप्त केला जाऊ शकतो पुढचा बॉल इथे मात्र कबर ला केला डीपॅक्बरला क्षेत्रक्षक पोचण्याआधी मुंबईचा क्वीन नेकलेस समजल्या जाणाऱ्या मरीन ड्राईव्ह पेक्षाही देखणा होता हा कबर ड्राईव्ह धावा आल्या त्याच्या चार संघाची धावसंख्या चौकारानं वधारेल बावन्न धावा धाव फलकाबर संधेच्या बाटमधून मोठे फटकेबाजी आल्या तीन चौकार एक षटकार त्याच्या बाटमधून पाहायला मिळाला तब्बल एकवीस धावसंख्येवरती तो नॉट आउट के संघाची धावसंख्या ला चार येणारे चेंडू तीन तीन चेंडू आणि बारा धावा दोन मोठे स्ट्रोक हव्यात दोन मोठे फटकेबाजी करावी लागेल मैदानाचा पुरेपूर खडा न खडा ज्या खेळाडूला चांगला अनुभव आहे ज्या खेळाडूला चांगली माहिती आहे तो मैदानाच्या आतमध्ये संदेश कराव कर उभा आहे चांगल्या रीतीने बॅटिंग करतोय पुढचा बॉल घेऊन गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल खोला टाकला हा बॉल ऑन साईडला खेळ डीप मध्ये प्रोटेक्शन ठेवलंय सिंगल घेते दुहेरीचा प्रयत्न करण्यात आला स्ट्राईक शॉटाकडे ठेवणं पसंत करतोय खेळाडू संदेश खराब आउटच्या स्वरूपामध्ये क्रिकेटची आत्महत्या विकेट सॅक्रिफाईस केली फलंदाज अंकित पोकराणा बाद होत असताना पाहायला मिळत आहे खरगस सेक्टर बारातील खेळाडू अंकित पोकराना इथे बाद झालाय येणारे चेंडू आता मात्र राहिले ते दो, दोन दोन चेंडू आणि अकराची गरज सामना बरोबरी आला तर सुपर ओव्हरचा थरार अनुभवायला मिळेल संकेत पाटील संघाचा नेता तारणहार हार मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय येणारे चेंडू आहेत ते दोन आणि दोन चेंडू मध्ये अकराची गरज दोन आणि अकरा धावा संदेश करावकर नऊ चेंडू आणि बावीस धाव संख्येवरती नो नॉट आउट घेतोय मोठे फटके त्याच्या बाट मधून येत असताना पाहायला मिळाल्या पुढचा भाव दोन चेंडू अकराची ची गरज असताना ऑन साईडला संदेश करावकरच्या बाटमधून एक ब्रँडेड चोख षटकार फिक्र करता की कि फिक्र से होता है क्या रख खुद पे भरोसा देखफीर होता है क्या संदेश कराव करला हे सांगत असेल संगीत पाडील मैदानाच्या आतमध्ये काय फटका आलाय त्याच्या बाटमधून आज मुरभीच नाव या स्ट्रोकने त्याने त्याच्या बाटमधून उमटवलंय षटकार आलाय सामना बरोबरी त्याला तर सुपर ओव्हरचा थरार पाहायला आणि अनुभवायला मिळेल एक चेंडू आणि पाचची गरज सामना सुपर ओव्हर मध्ये जातो का हे पाहावं लागेल पहिल्याच रात्रीने सार काय दिलं आहे ही स्पर्धा मानाची सन्मानाची प्रतिष्ठेची आणि अभिमानाची काय घारघर विभाग ओ विभाग तळोजा विभाग प्रीमियर लीग दोन हजार चोवीस पहिलं पर्व आणि पहिल्या पर्वावरती पर्वा आम्हा तमाम क्रिकेट रसिकांना का गर्व आहे हे दाखवून दिलं या मॅचने पहिला सामना जिथे सहा बॉल चार धावा डिफेंड झाला दुसरा मॅच देखील तितकीशी चुरस पाहायला मिळाली परंतु तिसऱ्या सामन्यानेही खूप सारे रंग बदलले भारतीय राजकारणी आणि सरड्याला बाजूला सारा परंतु या मॅचने खूप सारे रंग बदललेत लढायचं नडायचं घडायचं आणि जिंकायचं हेच या मॅचने सांगून दिलंय सामना बनलाय मॅच बनत असताना मैदानाच्या आतमध्ये येणार एक बॉल पाच ची गरज सामना आवडला असेल तर टाळावायला काही हरकत नाहीये एक बॉल पास जावा हा बॉल एस रक्षकाचा वेद सामना इथे जिंकतोय रक्षण करणारा संघ अर्थात जयदुर्गा रोहिजन टीमने कि मॅच इथे जिंकली अफला <प्रेणा> हातून कॅच शेवटच्या बॉल वरती विकेट मिळवला आणि एक मोठी विकेट क्रिश माध्यमातून इथे संपादन करण्यात येत असताना पाहायला मिळाली क्रिश कोपरकर पिंदन सहा गोलंदाज धावा आल्या होत्या त्याच्या अगेन्स्ट त्या सतरा परंतु तदनंतर विकेट देखील त्याने मिळवण्यामध्ये तो यशस्वी राहिला सामना जिंकला चार धाव्याने आणखीन एक चुरशीची लढत इथे पाहायला मिळाली जयदुर्गा रोहिन टीमने हा सामना जिंकला परंतु या मॅच होतो मॅच प्लेयर ऑफ द मॅच ऍबली नो डाऊट टिरा चेंडू एकोणचाळीस प्रणव पाटील या no doubt, चला मैदानाच्या आतमध्ये आता आपण पाहणार आहोत ग्रामीण धमाका ग्रामीण धमाका आणि जिथे दोन ग्रामीण विभागामधून येणारे दोन बलशाली असे संघ एकामेकाच्या विरोधामध्ये खेळत असताना पाहायला मिळतील एका बाजूला तुम्हाला पाहायला मिळेल तो काळून रे संघ आणि त्याच्या अगेन्स्ट खेळेल मुरबी या दोन संघांदरम्यानची लढत पाहायला मिळेल त्याआधी बोलूयात प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये प्रणव पाटील चेंडू आणि एकोणचाळीस खेळी त्याच्या बॅट मधून पाहायला मिळाली आणि गोलंदाजी करत विकेट देखील मिळवल्या ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स देणारा गोलंदाज प्रणव पाटील राहिला या मॅच आपल्याला आणि सामनावीरा पुरस्कार मात्र दिला जाईल जयदेवजी पाटील साहेबांच्या शुभास या ठिकाणी पुरस्कार प्रणवला अप्रतिम फलंदाजी मात्र गेली प्रणवनं या पर्यंत